11th क्लास। आजकल बेटा मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली ने जो सैंपल पेपर इश्यू किया हुआ है मिड टर्म एग्जाम्स के लिए उसको, और मैं आपसे इसके फोर पार्ट्स डिस्कस कर चुकी हूँ, फोर सेक्शन। आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ बेटा सेक्शन ई। सेक्शन ई में आपके केस स्टडी बेस्ड, सोर्स बेस्ड, पैसेज बेस्ड और इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट टाइप क्वेश्चन आएंगे। 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा बेटा, थ्री क्वेश्चन आप फेस करेंगे इस सेक्शन में। चलिए देखते हैं सैंपल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन है। मियेशा इज ए क्लास 11 स्टूडेंट ऑफ ए रेपुटेटेड स्कूल। शी हैड बीन एनग्जियसली वेटिंग फॉर हैविंग ए गेट टूगेदर विद हर क्लासमेट्स एज शी कुड नॉट बी विद देम फॉर ए स्ट्रेच ऑफ ईयर ड्यू टू COVID-19 एंड बोर्ड एग्जाम्स ऑफ क्लास 10th। She invited four of her best friends, Koyal, Ayushi, Prisha, and Sanchi, to her birthday party on 26 March. After cutting cake, her elder sister, Khushali, wants to take group photograph of all of them standing in a single row. Yes, I hope simple data to understand, beta. Simple passage है आपको जो ये समझ आ रहा है। मियेशा क्लास 11th की स्टूडेंट है एंड शी हैज इनवाइटेड हर फ्रेंड्स, फोर फ्रेंड्स ऑन हर बर्थडे, एंड सिस्टर ऑफ मियेशा खुशाली वांट टू कैच फोटोग्राफ ऑफ ऑल ऑफ देम व्हेन दे आर स्टैंडिंग ऑन ए रो, सिंगल रो। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर एनी फोर क्वेश्चंस। दैट मींस 5 क्वेश्चंस हैं बेटा, उनमें से 4 क्वेश्चंस आपने आंसर करने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फोटोग्राफ्स कैन बी क्लिक्ड। आप देखिए क्या है, मियेशा और उसकी 4 फ्रेंड्स, दैट मींस टोटल 5 पर्सन हो गए। उसकी सिस्टर को काउंट मत कर लेना बेटा बीच में, उसकी सिस्टर तो फोटो क्लिक कर रही है, क्लिक जिनकी कर रही है वो 5 पर्सन है, मियेशा और उसकी 4 फ्रेंड्स। 5 पर्सन को हमने एक तरीके से सिंगल रो में 5 पोजीशंस में अरेंज करना है। कितनी फोटोग्राफ क्लिक हो सकती है, तो दैट मींस उनका अरेंजमेंट हो सकता है ना, कोई भी पोजीशन में खड़ा हो सकता है। दैट मींस 5P5, 5 पोजीशन में 5 पर्सन्स को ही अरेंज करना है। सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल। ध्यान रखा करिए बेटा, एनपीएन एन फैक्टोरियल होता है, इसको बार बार नो डाउट एनपीआर का फॉर्मूला आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। दिस इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, बट एनपीएन क्या होता है वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एन फैक्टोरियल डायरेक्टली, बिकॉज एन माइनस एन फैक्टोरियल इज 0 फैक्टोरियल, दैट इज 1। एंड 5 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दैट इज 120, दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर, 120 फोटोज क्लिक हो सकती है। चलिए नेक्स्ट, इन हाउ मेनी फोटोग्राफ्स मियेशा विल बी स्टैंडिंग इन द मिडल। यस, 5 पोजीशन है बेटा, और इसमें कह रहे हैं मियेशा मिडल में कितनी फोटोग्राफ्स में खड़ी हो सकती है। दैट मीन्स मियेशा एक सिंगल पर्सन, उसकी पोजीशन फिक्स हो गई, तो बाकी 4 को ही अरेंज करना है, और वो कितनी वेज से होगा, 4P4, अगेन 4 पोजीशंस है और 4 ही पर्सन है अरेंज करने के, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स नथिंग बट 4 × 3 × 2 × 1, दैट मीन्स 24, राइट, दैट मीन्स बी इज द आंसर। आई होप बेटा सिंपल लग रहा है आपको ये क्वेश्चन। यस, थर्ड पार्ट, इन हाउ मेनी ऑफ दीज फोटोग्राफ्स मियेशा एंड सांची विल बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। मियेशा एंड सांची ये दोनों साथ रहनी चाहिए, ऐसी कितनी फोटोज हो सकती हैं जिनमें मियेशा एंड सांची दोनों साथ में रहनी चाहिए। देखिए ये दोनों साथ में रहनी चाहिए, पर ये बिल्कुल नहीं बोला कि कौन किसके पहले कौन किसके बाद। ठीक है, इनकी पोजिशन भी इंटरचेंज हो सकती है, दैट मीन्स इनकी पोजिशन हम एक सिंगल काउंट कर लें एक दोनों के साथ में, तो रिमेनिंग 3 फ्रेंड्स और, तो 4 को अरेंज करना है, 4 को अरेंज हो सकता है 4P4 वेज से,
बट इन दोनों की आपस में भी चेंज हो सकती है, दैट मीन्स 2P2, नो डाउट वी नो MS या SM, यही दो हो सकती है, बट जब मैं फॉर्मूले की बात करूंगी तो 2P2 दैट इज 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2 ओनली। ओके, तो 4P4 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट। MS हमेशा साथ में रहेंगे, सिंगल एक तरीके से पर्सन काउंट होंगे, सिंगल पर्सन, वो 3 पर्सन मोर, 4 पर्सन को हमने अरेंज करना था 4P4 वेज से, बट ये दो भी हमें कोई फिक्स नहीं कह रखा कि M पहले या S पहले, दोनों पोजिशन हम काउंट करेंगे तो 2 पोजिशंस 2 पर्सन का अरेंजमेंट। 4 फैक्टोरियल अभी हमने कैलकुलेट किया बेटा, नथिंग बट 24, 2 फैक्टोरियल इज 2, दैट इज 48। इंडिपेंडेंट भी आ जाए तो आई होप बिल्कुल आप काउंट कर सकते हैं। यस, आंसर क्या हो गया बेटा? सी, सी आंसर हो गया 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी फोटोग्राफ्स मीशा एंड आउशी विल नॉट बी स्टैंडिंग टुगेदर, दोनों एक साथ है ही नहीं। देखिए दोनों एक साथ नहीं है, टोटल हमने देखा बेटा 120 थी, दो ये मीशा और आयुषी। अब ये नहीं है कि पर्सन बदलने से कुछ चेंज हो गया, अभी हमसे जस्ट बात की थी पीछे मीशा और सांची की, अब बेशक पर्सन बदल गया हो बट है तो बात वही कि दो साथ में नहीं रहने, अब ये बात कर रहे हैं नहीं रहने, तो टोटल जो होंगी 120, और अगर दोनों साथ हुए तो वो 48 में हुए है ना, अभी हमने काउंट किया। पर्सन कोई भी हो मीशा के साथ, या मीशा भी ना हो, कोई भी दो पर्सन हो, तो काउंटिंग तो वही आनी है जो हमने लास्ट पार्ट में निकाला, तो दैट मीन्स इसमें फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट यूज हो रहा है। 120 माइनस 48 दिस विल बी नथिंग बट 72, सिंपल टू कैलकुलेट, राइट। डी विल बी द आंसर। इसको इंडिपेंडेंटली नए सिरे से मत निकालने लग जाना बेटा, आपको ये यही बार कह रही हूं, मीशा और आयुषी का हो लेकिन हमारा नाम से कोई फर्क नहीं है, हमारा फर्क है पर्सन से, दो पर्सन का है एक साथ नहीं होने चाहिए, दो पर्सन एक साथ होंगे तब हमने काउंट किया अभी लास्ट पार्ट में 48, टोटल पांचों जो अरेंजमेंट होगा 120, तो 120 में से हमें क्या चाहिए, मीशा और आयुषी साथ नहीं होने चाहिए, तो टोटल में से 48 माइनस कर देंगे हम 72। ओके चलिए नेक्स्ट पार्ट। दो पेपर में आपने 5 में से 4 हो गए तो फिफ्थ को नहीं करने की जरूरत, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, टाइम मत वेस्ट करिएगा, बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग। इन हाउ मेनी फोटोग्राफ प्रिशा वुड नॉट बी इन द मिडल, यस हमने हमने कैलकुलेट किया था बेटा कि मीशा मिडल में होगी तो कितनी फोटोज होंगी, 4 फैक्टोरियल है ना, तो अभी भी आपका कोई नए सिरे से नहीं निकालना, टोटल फोटोज 120, जो हमसे बात की थी मीशा मिडल में है तो कितनी फोटोज हैं, तो यहां हम काउंट कर लेंगे प्रिशा मिडल में है तो पर्सन तो एक ही है, ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल दैट मीन्स 24, 120 माइनस 24 इतनी फोटोज होंगी, दैट इज नथिंग बट 96, जिसमें प्रिशा मिडल में नहीं होगी। पूरी लैंग्वेज आई डोंट थिंक लिखने की जरूरत है बेटा, MCQs है, यू शुड अंडरस्टैंड। ओके तो टोटल फोटोज जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली प्रिशा मिडल में, मतलब जैसे मीशा मिडल में निकाला था सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में से माइनस सेकंड पार्ट का आंसर हमने इसे प्राप्त किया 96, दैट इज सी पार्ट। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी। टू फ्रेंड्स राहुल एंड निहाल वर डिस्कसिंग सेट्स बेस्ड प्रॉब्लम्स। निहाल आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम राहुल, इफ ए इज द सेट एक्स सजेट एक्स इज द सेट ऑफ लेटर्स नीड टू स्पेल कैटरेक्ट एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सजेट एक्स इज द सेट ऑफ लेटर्स नीड टू स्पेल ट्रैक्ट, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर एनी 4 क्वेश्चन आस्क बाय निहाल। निहाल ने क्वेश्चन पूछे हैं, एक सेट का है बेटा ए जिसमें एक्स इज ए सेट ऑफ लेटर्स नीड टू स्पेल कैटरेक्ट, दैट मीन्स अगर मैं इस सेट को लिखती हूं ए को, दिस विल बी सी ए टी, आपको पता है सेट लिखने का तरीका बेटा, रिपीटेड लेटर हमने नहीं लिखना, ए हम नहीं लिख रहे, आर अगेन ए नहीं लिख रहे, सी नहीं लिख रहे, टी नहीं लिख रहे, ये सेट ए हो गया। सेट बी, सेट बी में ट्रैक्ट, ट्रैक्ट वर्ड में जितने लेटर्स हैं दैट मीन्स टी आर ए
अगेन टी दोबारा हमने नहीं लिखना। और आप देखो बेटा तो ये दोनों सेट एग्जैक्टली सेम है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं होता। आई होप आपको ध्यान है, रिपीट लिखने से कोई फर्क नहीं होता, इसलिए हमने सिर्फ डिफरेंट लेटर्स चूज किए हैं बेटा, और अल्टीमेटली ये दोनों सेट सेम है। ओके, तो इन सेट्स के बेस पर ही कुछ क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये तो हमने समझा सिर्फ सेट्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? यस, वेरी मच, हमने यही अभी देख ही लिया, ए ही ट्रू है, राइट? आपको सेट्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई तो क्विकली आंसर दे सकते हो आप। ए यूनियन बी इक्वल्स टू, जब ए और बी इक्वल है बेटा, दोनों सेट इक्वल है, तो आई थिंक यू हैव वेरी मच क्लियर कि ए यूनियन बी, ए या बी दोनों में से कोई भी हो सकता है, और रादर इनका इंटरसेक्शन भी ए या बी कोई भी हो सकता है, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम है। बट अभी हमसे ए यूनियन बी पूछा है, नन ऑफ दिस, बी ए इंटरसेक्शन बी, फाई बी बी एग्जैक्टली सेट पूछा है। नो डाउट ये क्वेश्चन मैं कहूंगी एक तरीके से रॉन्गली फ्रेम्ड है, ए इंटरसेक्शन बी भी हो सकता था क्योंकि इक्वल है दोनों, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, बट स्टिल सिंगल सेट हम काउंट करें बी। आपके अभी सिर्फ एमसीक्यूज है, मल्टी आंसर नहीं है, तो आप बी ही काउंट कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी तो एक तरीके से दिया नहीं हुआ, आप कैलकुलेट करके देख रहे हैं। ओके चलिए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स, सेम क्वेश्चन आ गया बेटा, ए और बी दोनों कुछ भी हो सकता है, ए है यहाँ पर तो सिर्फ ए आंसर देंगे, और यहाँ पर भी देखिए यूनियन भी दे रखा है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ए और सी दोनों होता है, बट एमसीक्यूज है तो बिल्कुल सिंगल सेट को लीजिए, कहीं भी गलती से यूनियन मत लिखिए, क्योंकि यूनियन दोनों बता कैलकुलेट करके ही आप बताएंगे, तो हम कैलकुलेट, मैं इसको वैसे रॉन्गली फ्रेम काउंट करूंगी, ए यूनियन बी देना ही नहीं चाहिए क्योंकि सभी ये सेम ही है, ठीक है? तो मैं इसको रॉन्गली फ्रेम काउंट करती हूँ। चलिए एनीवे आएगा भी तो यू कैन क्लियरली राइट ए और बी, सिंगल सेट लिखिए। बी माइनस ए, बेटा ए और बी दोनों सेम है, बी माइनस ए एक्चुअली क्या हो गया, बी में से बी को ही सब्ट्रैक्ट करना, सेम सेट से सेम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फाइव फाइव नल सेट, दैट मीन्स सी इज द आंसर। चलिए, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी में कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, बी में एलिमेंट हैं फोर, टोटल सबसेट्स कितने होंगे इसके, टू टू द पावर फोर, दैट मीन्स 16। अब पूछे हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर दैट मीन्स बी को छोड़ के सिर्फ, दैट इज 15, 15 सी इज द आंसर। ओके, आई होप सिंपल लगा बेटा ये भी क्वेश्चन, बिल्कुल सेट्स का बहुत सिंपल क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेट्स की सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑपरेशंस, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी प्रोड्यूसेस सर्टेन आइटम्स, मैनेजर इन द कंपनी यूज टू मेक ए डाटा रिकॉर्ड ऑन डेली बेसिस अबाउट द कॉस्ट एंड रिवेन्यू ऑफ दोज आइटम्स सेपरेटली। कुछ आइटम्स प्रोड्यूस करती है कंपनी, और मैनेजर कंपनी का पूरा डाटा रिकॉर्ड रखता है डेली बेस पर कि क्या कॉस्ट और क्या रिवेन्यू उन आइटम्स का है। द कॉस्ट एंड रिवेन्यू फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट आर गिवन बाय सी एक्स इज द कॉस्ट फंक्शन, 20x प्लस 4000, एंड आर एक्स इज द रिवेन्यू फंक्शन, 60x प्लस 2000। क्लियर टू अंडरस्टैंड? वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ आइटम्स परचेस्ड और सोल्ड, द कंपनी मैनेजर हैज फ्यू क्वेश्चन इन माइंड, हेल्प हिम टू सॉल्व। चलिए ये फिगर आपको प्रोसीजर ऑफ बिजनेस ही लिखा हुआ है, यू कैन अंडरस्टैंड, लेट अस जस्ट कंसेंट्रेट ऑन कॉस्ट फंक्शन एंड रिवेन्यू फंक्शन, 20x प्लस 4000, 60x प्लस 2000। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड टू रियलाइज सम प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट कब होगा बेटे, प्रॉफिट तब होगा जब रिवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा होगा, दैट मीन्स रिवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, राइट? तब प्रॉफिट होगा, कॉस्ट माइनस रिवेन्यू होगा तब लॉस्ट होगा, राइट? कॉस्ट ज्यादा होगी तो ये एक तरीके से इनइक्वालिटी बन गई बेटा, जस्ट 60x प्लस 2000
माइनस सी एक्स इज 40x, सॉरी 20x प्लस 4000। वी कैन कंफर्म वंस, कहीं भी डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा, 20x प्लस 4000, 60x प्लस 2000, राइट? ये कॉस्ट है। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स 60x माइनस 20x लाइक टर्म, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस 2000 माइनस 4000, दैट मीन्स 2000, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस इज नथिंग बट 40x। ये हो गया बेटा माइनस 2000, बिल्कुल आपकी कैलकुलेशन है। और आप देख रहे हैं यहां पर ऑप्शंस नहीं दी हुई बेटा। और ओके, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, 40x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 40, दैट मीन्स 50। तो हाउ मेनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड, देयरफॉर मिनिमम 50 आइटम्स मस्ट बी सोल्ड। टू रियलाइज सम प्रॉफिट, प्रॉफिट होने के लिए। एक्चुअली ये क्वेश्चन बेटा आपके 2-2 मार्क्स में डिवाइड किए हुए हैं, तो आपको इसका कैलकुलेशन दिखानी दिखानी है। दैट मीन्स दो इट इज केस बेस्ड स्टडी बेट, बस यहाँ एमसीक्यू नहीं है, आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप रियलाइज हो गया पेपर से पहले ही कि यस इस टाइप से भी आ सकता है। चलिए, आई थिंक सिंपल टू अंडरस्टैंड। इफ द कॉस्ट एंड रिवेन्यू फंक्शंस ऑफ द प्रोडक्ट्स आर गिवन बाय दिस, चलिए कॉस्ट और रिवेन्यू फंक्शन चेंज कर दिए हैं, वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस बाय द मैन्युफैक्चरर, कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स दैट मैन्युफैक्चरर मस्ट सेल टू रियलाइज सम प्रॉफिट। सेम आ गया बेटा, सेम प्रॉफिट होने के लिए क्या होगा, आप कहें रिवेन्यू माइनस कॉस्ट या फिर रिवेन्यू इज ग्रेटर देन, मैं आप इस ढंग से कर देती हूं आपको, दोनों की कैलकुलेशन जो भी आपको ठीक लगती है। रिवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट, दैट मीन्स 6x प्लस 20 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 400, राइट? क्लियर कट पढ़िए बेटा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉस्ट इज 2x प्लस 400, रिवेन्यू इज 6x प्लस 20। हमने सही लिखा है बिल्कुल, 6x माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 400 माइनस 20। माइनस से कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, प्लस माइनस में टर्म्स ट्रांसपोज करते हुए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, इनइक्वालिटी सिर्फ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हुए चेंज होती है। टू रिमेंबर दिस, 6x माइनस 2x इज 4x, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज नथिंग बट 380, राइट? दैट मीन्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 380 बाय 4, क्योंकि 4 पॉजिटिव नंबर ही है बेटा। दिस विल बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 9 36, 4 5। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था बेटा, सिमिलर बट रिवेन्यू और कॉस्ट फंक्शन चेंज कर दिया, दैट मीन्स मिनिमम 95 आइटम्स मस्ट बी सोल्ड टू रियलाइज सम प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन आपका, दोनों पार्ट सिमिलर टाइप है, दोनों एक्सप्लेनेशन प्रॉपर देना है, 2-2 मार्क्स के हैं। ओके, आई होप बेटा केस स्टडीज भी सिंपल लगी है आपको। यहाँ पर आपका ई सेक्शन भी डिस्कस हो जाता है सैम्पल पेपर का। अपनी बिल्कुल प्रैक्टिस रखिए बेटा, कंप्लीट थॉरो रिजल्ट्स रिवाइज करके जाइए। आप अगर प्रैक्टिस अपनी अच्छी रखते हैं तो किसी भी क्वेश्चन देख के घबराइए नहीं। जो आपको बार बार कहती हूँ, नए से नया क्वेश्चन आए केयरफुली पढ़िए, उसमें से क्या गिवन है देखिए, क्या प्रूफ करना है या कोई वैल्यू निकालनी है उसको गौर से देखिए, एंड जस्ट ट्राई टू रिकॉल क्या क्या रिजल्ट यूज हो सकते हैं।
अगर आपने रेगुलरली अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप कहीं भी मात नहीं खाएंगे। और कई एक आध क्वेश्चन ना भी हो तो कभी घबराना नहीं चाहिए बेटा, एक आध क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, आप अपनी जितना इनपुट दे सकते हैं वो दीजिए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट।